बाड़मेर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रेलवे कुआ नंबर 3 में पढ़ने वाली कक्षा 9 की छात्रा डिंपल सोनी द्वारा बनाया गया स्वच्छता विषयक मॉडल दिल्ली में आयोजित हुई राष्ट्र स्तरीय प्रतियोगिता में सराहा गया। छात्रा डिंपल की इस उपलब्धि पर उसे इंस्पायर अवार्ड से सम्मानित किया गया। डिंपल ने स्वच्छता विषय पर मॉडल प्रदर्शित कर बाड़मेर का नाम रोशन किया। कहते हैं हुनर फर्श से अर्श तक का सफर तय कर ही देता है, ऐसा ही कुछ नजर आया बाड़मेर के सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाली कक्षा 9 की छात्रा डिंपल सोनी के साथ। स्वच्छता और ग्रामीण विकास की अवधारणा पर बनाया गया डिंपल का साइंस मॉडल दिल्ली में सराहा गया और इस बाल वैज्ञानिक बेटी को देश के इंस्पायर अवार्ड से नवाजा गया। दिल्ली में इस बड़े पुरस्कार को मिलने के बाद डिंपल के घर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। बाड़मेर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की कक्षा 9 में पढ़ने वाले डिंपल सोनी ने गोबर से खाद और बिजली उत्पादन के साथ ग्रामीण इलाके में स्वच्छता और ग्रामीण विकास की अवधारणा पर साइंस प्रोजेक्ट बनाया। ये प्रोजेक्ट जिला स्तर, खंड स्तर और राज्य स्तर से आगे बढ़ते हुए राष्ट्रीय स्तर के लिए चयनित हुआ। दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में डिंपल के इस हुनर को देश के ख्यातिनाम वैज्ञानिकों ने न केवल परखा बल्कि उसको सराहते हुए इसे देश का प्रमुख इंस्पायर अवार्ड से नवाजा गया। राष्ट्रीय स्तर पर मिले पुरस्कार के बाद बाल वैज्ञानिक डिंपल बेहद खुश है। टॉयलेट है जो स्वच्छता पर आधारित है, यह गांव में बनाया जा सकता है आसानी से। इससे गांव के लोगों को गांव में ही रोजगार के संसाधन प्राप्त हो सकते हैं। सर, हमारे भारत में गौशाला तो बहुत है बट उसमें गो के गोबर का उपयोग नहीं किया जाता, इसलिए हम इस इलेक्ट्रॉनिक सिटी उत्पन्न कर सकते हैं। इसमें जो गोबर है वो हम डाइजेस्टर में डाल के उसके द्वारा हम इलेक्ट्रॉनिक सिटी बना सकते हैं। फिर हम स्कूल से शुरू होकर जोधपुर, जोधपुर से सिरोही, सिरोही से पचपदरा, पचपदरा से जयपुर, जयपुर से न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में क्या, कौन सा अवार्ड दिया आपको? इंस्पायर अवार्ड। कितनी कितनी खुशी हुई? सर, बहुत अच्छी खुशी होती है जब इंस्पायर अवार्ड मिलता है। इसका ये मूल है कि गाँव में जो वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट पदार्थ है, जैसे मानव वेस्ट है या गौशाला का जो गोबर है उसका उपयोग करके खाद बढ़ाना और खाद के अलावा इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करना, जिससे गांव के साथ साथ देश का भी विकास हो सके, भला हो सके। एक तरफ जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छता को अपनी पहली प्राथमिकता मानते हुए कार्य कर रहे हैं, वहीं इस काम के लिए बाड़मेर की बाल वैज्ञानिक बेटी का ये नवाचार प्रोजेक्ट यकीनी तौर पर केंद्र सरकार और देश प्रधानमंत्री के सपने को आगे बढ़ाने का काम करेगा।